हिस्सा रोका। मैं उत्तरा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज उत्तर प्रदेश में दो अहम सीटों पर लोकसभा उपचुनाव है। दोनों सीट समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने खाली किया है। एक सीट अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से खाली किया है, तो दूसरी सीट आजम खां, जो खासा पैट उनका माना जाता है, आज उन्हीं दोनों सीटों पर लोकसभा उपचुनाव है। वहीं यह लोग सभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। आजमगढ़ से भाजपा की ओर से दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव और बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सहित कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने के साथ ही बूथों पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा है। मतदाताओं का भीड़ बूथों की ओर निकली तो सुरक्षा बल भी मुस्तैद नजर आए। वहीं रामपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में आजम के करीबी आसिम रजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी समेत 6 कैंडिडेट मैदान में हैं। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख से अधिक वोटर है। यहां पर 50% हिंदू और करीब 49% मुस्लिम मतदाता है। बता दें कि रामपुर में 3 बजे तक 32.19% मतदान हुआ है, जबकि आजमगढ़ में 3 बजे तक 37.82% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए बड़ा आरोप भी लगाया है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो हर चुनाव में जारी रहता है। कहीं पर बूथ को लेकर के धांधली तो कहीं पर वोटर्स को लेकर धांधली। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जारी मतदान को प्रभावित करने के मकसद से विधानसभा स्वार के टांडा और दरियाल इलाके में सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की गई है। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। इसी के साथ सपा के ने आशंका जताई है कि इससे चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हो सकती है। और आज का हमारा चर्चा भी इसी मुद्दे पर है जो चुनाव अभी चल रहा है। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले पहले आपको सुनवाते हैं कि नेताओं का क्या कुछ कहना है आज के चुनाव पर। सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है। मतदाताओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसी गर्मी में अभी शुरुआत हुई है और मेरे ख्याल से ऐसी गर्मी है आज की तारीख में, और ऐसी गर्मी में ये लोग निकल के आए हैं बेचारे, तो इनका मैं समझता हूँ बड़ा उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर। और उत्साह क्या ये बताता है कि चुनाव हम तो एक तरफा कमल खिल रहा है। उत्साह है, जनता जो है 5 साल के लिए चुनाव करती है, और ये आज जो चुन के यहाँ पर जनता ने भेजा था, आजम खान साहब को भेजा था, और उन्होंने जनता के साथ धोखा किया क्योंकि दोबारा चुनाव में आना पड़ा। तो जब दोबारा चुनाव में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 5 साल काम करती है, वो तैयार रहते हैं। जी जी, तो अब ये है कि भी जनता का मन चुका है कि उपचुनाव जो है योगी जी के नेतृत्व में जीतना है। जी, तो अब आपको क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा? 100% कमल खिलेगा, और आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है बहुत अच्छी लीड से। आजमगढ़ की सीट की बात करें तो आजमगढ़ की सीट पर पिछली बार दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं आजमगढ़ की सीट पर सपा का पकड़ मजबूत माना जाता है। यादव बाहुल्य बेल्ट कहा जाता है आजमगढ़, वहां मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं यादव के लिए हमेशा से
बेनिफिशियल रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार इस सीट पर क्या होता है। पिछली बार की तरह इस बार भी दिनेश लाल यादव को हार का सामना करना पड़ेगा या फिर उनके सर पर जीत का सहरा सजेगा। इन सब में दिलचस्प बात यह भी है कि हर बार चुनाव की तरह इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि ट्वीट भी किया गया है, पत्र लिखा गया है, चुनाव में मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, मुख्य निर्वाचन आयोग से जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ अमित पुरी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, सतीश निगम जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, दिलीप यशवर्धन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। माफ कीजिएगा, अमित पुरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आजमगढ़ जो क्षेत्र है वो हमेशा से उस पर सपा का कब्जा माना गया है, यादव बाहुल्य बेल्ट है आजमगढ़, ऐसे में एक बार फिर से आमना सामना है। एक तरफ जहां धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश लाल यादव निरहुआ, दोनों यादव आमने सामने हैं, किसके सर पर जीत का सहरा सच सकता है? ये हमेशा से लगाए जाते हैं लेकिन हर इलेक्शन में एक अलग फैक्टर काम करता है। आजमगढ़ सीट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी का वहाँ पर हमेशा झंडा लहराता रहा है और अखिलेश यादव भी वहीं से थे, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि जो शाह आलम आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, शाह आलम इस बार जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा बल्कि वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा अभी विधानसभा के इलेक्शन में उन्हें ज्वाइन कराने के लिए कई बार अपने पास बुलाया, फिर उनको एश्योरेंस दी लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया। तो जो गुड्डू जमाली है वो गुड्डू जमाली इस बार अपनी पूरी ताकत लगाएंगे समाजवादी पार्टी को हराने में और इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। मेरा अपना ये आकलन है कि इस ट्रायंगुलर में अगर किसी की जीत निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी। और रामपुर में मेरा अपना आकलन है कि रामपुर की सीट पर चूंकि सिंपथी इस बार आजम खान के साथ है और जो कैंडिडेट खड़ा है समाजवादी पार्टी का वो भी आजम खान का है, तो मुझे लगता है कि सिंपथी वोट, अगर सिंपथी की लहर चली तो रामपुर से समाजवादी की सीट निकलेगी और आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की सीट। जी बिल्कुल, अमित पुरी जी, अखिलेश यादव ने धांधली का आरोप लगाया है, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? भी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ हेयर कर पाऊं, लेकिन इवन दैट मैं मेकआउट जो करता हूं जो पॉलिटिकल रियोट्रिक के लिए अखिलेश यादव जी टाइम में लगे चीजें कैसे रहते हैं, उन्हीं टाइप की कुछ चीजें उन्होंने कही होंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब जनादेश का दिन है आज, इसलिए लोग क्या कहते हैं इससे ज्यादा जो वहां के मतदाता है वो ईवीएम में अपनी जो आवाज कैद कर रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, सतीश निगम जी, आजमगढ़ की जनता इस बार किस यादव पर भरोसा दिखाएगी? पिछली बार हालांकि निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था, एक जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों की पार्टी है, ये भी गलत है। समाजवादी पार्टी गरीब मजदूर किसान नौजवान इनकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, इसलिए ये कहना कि साहब इसलिए वो जीत गए थे इसलिए हार गए थे, एक बात याद रखिए। और एक बात मैं अपनी ओर से भी ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो लोग परेशान हैं, जिनको बहुत तरीके से तकलीफें हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार, इनसे जो परेशान जनता है, हमारा नौजवान आज हर मुद्दे पर तड़प कर है, व्यापारी परेशान है, जितने फैसले भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लिए हैं वो पूरे के पूरे जन विरोधी फैसले हैं और इन जन विरोधी फैसलों के खिलाफ जनता ने पहले भी वोट किया है, इसलिए आजमगढ़ की जब सीट है तो उसी से समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चाहे वो मुक्ति के जंगल हो, बिल्कुल जनता 100% नकार देगी और ये आपने लिखा है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कोई वोट कटुआ की हैसियत इनकी हो सकती है, लेकिन बाकी इनको कोई कंसिडर नहीं करता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी
रामपुर में भी सीट जीतेगी और यहाँ भी सीट जीतेगी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के जोड़ी में जाने वाली है। ये इनका अपना सोचना है कि सीट हम साहब ये लड़ जाएंगे तो वो वोट काट लेंगे तो हम जीत जाएंगे। सर ये कतई नहीं है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है और आगे भी सबको साथ लेकर चलेगी। और क्योंकि जनता के जनता जानती है कि कौन झूठ बोलता है। अभी जैसे ये साहब कह रहे थे कि साहब वो तो लोगों का काम है कहना, और देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को नौजवानों को वादे किए थे कि गुप्त नौकरी देंगे, उन्होंने भी मतलब कहा था तमाम सारी बातें, इतना नौकरी मिली और खास और नोटबंदी के तमाम फैसले भी, नोटबंदी के पक्ष में तमाम सारी बातें कहीं, इससे देश की बहुत तरक्की हो जाएगी और हमने सारे बड़े नोट हमने बंद कर दिए। आज मार्केट से 2000 के नोट गायब हो गए। मोदी साहब से पूछिए, आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछिए कि 2000 के नोट मार्केट में कहाँ हैं, जब भी जाइए 2000 के नोट दिखते नहीं। अगर 1000 नोट से अगर जो है कालाबाजारी हो रही थी या ब्लैक मनी क्रिएट हो रही, 2000 से तो और ज्यादा आसानी क्रिएट होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने फैसले आज तक इन लोगों ने किए हैं जन विरोधी, चाहे किसानों के मुद्दे पर रहा हो चाहे नौजवानों को उसके मुद्दे पर, सरकार हर तरफ ले रही है। हाँ ये जरूर है कि इन्होंने जो एजेंडा आज चला रखा है देश को तोड़ने वाले, ये इनका जो एजेंडा लेकर के आए हैं इससे बचने की जरूरत है ताकि हमारा देश हमारे जो संविधान की मूल भावना है अनेकता में एकतावादी वो बनी रहे। संविधान की मूल भावना हमारी बनी रहे जरूरी है। देखो संविधान विरोधी सरकार सारे काम संविधान के विरोध में करती, जनता इसका जवाब चुनाव में देने वाली है। अमित पुरी जी, जिस तरह से अभी भी मतदान जारी है सपा आरोप लगा रही है और ये कहना है कि जो जनता है वो पिछले मुद्दों को देखकर इस बार वोटिंग कर रही है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह की जो तमाम आरोप है समाजवादी पार्टी के, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए मैं फिर वही उसी लाइन पे आता हूँ कि ऑडियो अच्छा नहीं था लेकिन तब भी मैं समझ लेता हूँ समाजवादी पार्टी को, हर बैट्समैन के खेलने का एक तरीका ना। तो मतदान के दिन अगर आप इश्यूज कैंपेन भाषणबाजी करें उसका कोई मतलब नहीं होता। एग्जामिनेशन डे के दिन लेक्चर नहीं सुने जाते हैं, सुने हुए लेक्चरों पे पेपर लिखा जाता है। तो आज पेपर लिखने का दिन है, पेपर मतदाता लिखता है और हमें भरोसा है कि वो हमारे पक्ष में लिखे। जी बिल्कुल दिलीप यशवर्धन जी, अगर बात किया जाए 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की, तो जो रामपुर का वोटिंग परसेंटेज था वो 32.19% हो चुका है, जबकि वही आजमगढ़ में 37.82% मतदान हो चुका है 3 बजे तक। ये जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं त्रिशला जी? देखिए एक तो ये जो बाईपोल इलेक्शंस होते हैं इनमें जो आम जनता जो राजनीति से कहीं से जुड़ी नहीं है, जो किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, वो थोड़ा कम वोट देने निकलती है। ऐसे में चूंकि जिसका जितना ज्यादा जनाधार होता है, जिसके जितने ज्यादा कैडर वोट्स होते हैं, जिसके जितने ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं, वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करके बाहर निकाल के लाते हैं कि चलिए आपको वोट डालना है। बहुत सारी जनता ऐसी होती है जिसे ये पता भी नहीं होगा कि आज उनके शहर में इलेक्शन चल रहा है और एमपी का चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई जागरूकता होती नहीं और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ भारत में तो राउंड द ईयर किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर के चुनाव चला करते हैं, कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है वो वोट देने नहीं जाते हैं, इसीलिए देखिए कम परसेंटेज है जबकि पॉपुलेशन वहां की बहुत ज्यादा है। अगर 37% या 32% वोट हो रहा है तो सोचिए कि 70% आदमी वोट डालने नहीं आ रहा है। तो ये 30% लोग वही हैं जो या तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी की विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस हैं या राजनीति में कहीं ना कहीं दखल रखते हैं या राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये कम परसेंटेज ये बताता है, साफ बताता है कि जिसके जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो सीट निकाल करके ले जाए। जी बिल्कुल अमित पुरी जी, जिस तरह से एक बार चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा उपचुनाव में दोबारा दिनेश लाल यादव निरहुआ पर बाजी खेली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या खास वजह रही है इसकी? क्या यादव के गढ़ में एक यादव कैंडिडेट के जरिए ही यादव को कमजोर किया जा सकता था, ऐसी कोई वजह तो नहीं देखी गई थी इसके पीछे? हर आदमी की अपनी पॉलिटिकल वोकैबुलरी है, अपना नैरेटिव है, मैं उसके तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इतिहास रहा है, इस पर भी चरणजीत यादव जी की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि पिछला चुनाव
कश्मीर हुआ, हार गए, इस बार क्यों दाव लगाया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजनीति के कैलेंडर में कोई अंतिम दिन नहीं होता। पॉलिटिक्स हैज नो लास्ट डे इन कैलेंडर। नया चुनाव नई इबारत लिखता है, नई तरीके से लिखता है। और हम क्यों अविश्वास और अविवेक करें प्रबुद्ध मतदाताओं के विवेक के ऊपर। हमें उससे भरोसा है, हम उन लोगों में से नहीं है कि चुनाव के दिन तक तो प्रचार करते हैं, ईवीएम पे भरोसा करते हैं, परिणाम आता है मुन्नी बदनाम की तरह, ईवीएम बदनाम हो जाती है, चुनाव आयोग के तमाम तरह के आरोप लगने लगते हैं। हमारा जनादेश पे विश्वास है, हम विश्वास रखने वाले लोग हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम इस पॉलिटिकल फिलॉसफी पे काम करते हैं। सतीश निगम जी, क्या कहेंगे आप इस पर? सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस तरह के आरोप तमाम इनका लगता रहता है, ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं, कई तरह की धांधली के आरोप लगाते हैं, लेकिन जो जनता है, जो जनादेश है, वो काम पर और विकास पर वोट देगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ 350 साल शासन किया, ये उसी अंदाज में यहाँ शासन कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, समाज को तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो। और जहाँ तक सबका साथ की बात है, तो कितनों को तो ये खुद ही छोड़ देते हैं, कह के कभी सिखों को आतंकवादी बता देते हैं, कभी मुसलमानों को आतंकवादी बता देते हैं। तो आप सोच लीजिए, पहले तो सबका साथ तो वैसे ही नहीं है। और विकास की बात करें तो विकास का आलम ये है कि आप देख लीजिए कैसे हमारे नौजवान बेचारे घूम रहे हैं, रोजगार की बात देख लीजिए कैसे संघर्ष करते घूम रहे हैं सड़क पर। बेरोजगारी का आलम यह है कि हमारे नौजवान पढ़ लिख करके सड़क पर मारे मारे घूम रहे हैं, वो भी न जाने कितनी, और जितनी भी कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि केवल झूठ बोलना, केवल नारे देना, नारे से चुनाव जीता तो जा सकता है लेकिन देश का भला इससे कभी नहीं हो सकता। और ये लोग केवल नारे और झूठ का प्रोपेगेंडा इतना बड़ा फैला रहे हैं जिससे चुनाव तो बेशक बहुत सारे जीत गए लेकिन जनता भी अब जानने लगी है कि सच क्या है। और पहले भी विधानसभा के चुनाव में जिस तरह की धांधली की थी, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इल्जाम लगाया है, तो ये सरकार तो बेईमानी से बनाई है, ये सरकार कोई अपने काम पर नहीं बनाई है। और नहीं तो कभी भी काम के एजेंडे पर वोट क्यों नहीं मांगा, क्यों भगवान राम के शरण में जो है उनकी शरण में बार बार चले जाते हैं, अपने काम पर वोट मांगते, अपने काम गिनाते। तो काम तो कुछ भी उन्होंने गिनाया नहीं, आज भी ये काम गिनाने की स्थिति में नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जितने बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश में किए हैं केवल या तो उन कामों को जिन्होंने आगे बढ़ाया है, हमारे छोड़े हुए कामों को, या हमारे कामों का नाम बदला है। तो ये जिस तरह की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश की समृद्धि के लिए, देश की तरक्की के लिए, नौजवानों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के विपरीत है ये। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसके विधानसभा के 2022 के चुनाव में भी आजमगढ़ की जनता ने इनको जवाब दिया था, एक ही सीट इनको नहीं मिली थी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां से सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आम जनमानस में समाजवादी पार्टी के मन में है, आम आदमी के जनमानस में समाजवादी पार्टी, इसे हम लोग बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। और जो हमारे कैंडिडेट हैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी, जो दो बार तीन बार सांसद रह चुके हैं ऑलरेडी, वो भी बहुत सौम्य शालीन और बहुत सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं, उनके व्यक्तित्व पर भी वोट मिलने वाला है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, ये लोग वो नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद फिर बंबई भाग जाए, यहाँ नहीं मिले। ये लोग वो हैं जो चुनाव जीतने के बाद अपने कर्म से उस क्षेत्र को अच्छा करते हैं। जहाँ बदायूं में सांसद रहे वहाँ भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था समाजवादी पार्टी के समय में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट पर वोट मांगने की बात अगर कही जाए तो समाजवादी पार्टी के अलावा इसमें जमाने से उत्तर प्रदेश में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था, जिसको समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया 5 सालों में, अभूतपूर्व कार्य था। और हम आज भी अपने काम पर वोट मांगते हैं, हम सभी से वोट मांगते हैं और सभी हमारे साथ जुड़े भी हैं। जी, बिल्कुल, हम लोगों बिल्कुल। को विभाजित करके वोट नहीं मांगते। जैसा कि अमित पुरी जी, जैसा कि अभी जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने धांधली से जीता है, क्या जवाब देंगे आप उस पर? आप विकास नहीं करते, पुरानी जो योजनाएं हैं उनका नाम बदल देते हैं, क्या कहेंगे आप उस पर, क्या जवाब? ये पूरी कैंपेन 2022 के चुनाव में अखिलेश जी ने रन की और जब तक परिणाम नहीं आ रहा था तब तक उन्होंने यही कहा, आ रहे हैं अखिलेश, हो रहा है बदलाव।
और जब आ रहे हैं अखिलेश और हो रहा है बदलाव को मतदाता ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद ईवीएम तो बदनाम होनी ही थी। अच्छा छोटी सी बात कह रहा हूँ, जाति की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी को तो आजमगढ़ के किसी यादव समुदाय के बालक पे ग्वाल गोपाल पे भरोसा ही नहीं था, तभी तो बदायूं से धर्मेंद्र यादव को खोज के ले गए। फैमिली क्लैन से आगे बढ़ना बढ़ने वाले लोग तो समाज, परिवार और जाति किसी की कॉकटेल में उलझे रहते हैं और उसमें से केवल परिवार को ही आगे रखते हैं। जी दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरह से लगातार अगर आप इजाजत दे तो एक मिनट में एक बात और। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना पक्ष। धन्यवाद आपका। ये जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, तो मैं एक बात इन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं अपने भाई साहब को, कि एक बात ये स्पष्ट कर लीजिए, जब आप देश का राष्ट्रपति चुनते हैं तो उसकी जाति पहले बता देते हैं कि साहब वो फला जाति का है। राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति चुना जाता है, उसकी जाति और धर्म से देश को वास्ता नहीं होता। लेकिन वोटों के लालच में हमारे जो कानपुर के रहने वाले राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके बारे में जैसे उनका चुनाव तो बाद में हुआ लेकिन पहले बता दिया कि कोई समाज से हैं, और जैसे इनका हुआ तो साहब ये आदरणीय मैडम का जो होने जा रहा चुनाव उसमें भी बता दिया साहब ये तो आदिवासी है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब पहले जाति की बात कर देते हैं तो आप दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने तो हर जाति और धर्म के आधार को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी ब्राह्मण थे, यादव नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी अगर जब भी जरूरत पड़ी तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी स्वयं उनसे मिलने जाते थे उनके सम्मान में। तो ये आप मान के चलिए कि सम्मान करने की परंपरा जातिवादी परंपरा हमारे यहाँ कभी नहीं रही। हम लोगों ने तो अपने से बड़ों का सम्मान किया और हम लोग आम आदमी के दिल में इसलिए अपनी जगह बना पाते हैं क्योंकि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, झूठे सपने नहीं दिखाते। अगर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम लैपटॉप देंगे तो हमने दिया, हमने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे तो दिया, हमने कहा था कन्या विद्यादान देंगे तो दिया। हम जो वादे करते हैं उसमें हम न्यूटन नहीं लेते। ये तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो साहब जनता के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा, और 15 रुपए नहीं पहुंचे आज तक, उसके बाद कह दिया। और ये चुनावी जुमला है, ये झूठ से वास्ता इनका है, जातिवादी ये है, और जो कुछ ये करते हैं उसका आरोप दूसरों पर मरते हैं। अमितपुरी जी, एक बड़ा इल्जाम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी लगा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा इल्जाम लगाया गया है कि आप लोग पहले कैंडिडेट फाइनल नहीं करते, पहले आप लोग जाति बता देते हैं। जैसे कि हमारे जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनका भी पहले दलित वोट साधने के लिए पहले उनके जाति को बताया गया था, और हमारी जो अगली भावी जो कैंडिडेट है जिनको उतारा गया एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, से फोर्ट के लिए पहले ही बता दिया गया है कि हम आदिवासी को आगे कर रहे हैं। क्या इस पे जवाब देंगे आप? मुझे तो लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जब किसी प्रत्याशिता का नाम तय किया तो जाति के साथ उसकी घोषणा की। हाँ, इतना मुझे हॉर्सेस माउथ से मालूम है, ट्विटर पे मैंने देखा अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की राजनीति से जोड़ के मायावती जी के नाम को उछाल दिया, और मायावती जी ने तुरंत ही एक ट्वीट करके कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी दलगत राजनीति में मुझे न घसीटे। तो जो दल जरा जरा से चुनाव में भी राष्ट्रपति जैसे गंभीर संवैधानिक पीठ के पद से ऊपर भी राजनीति करते हो, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि वो अपने मुंह से इस तरह की राजनीतिक प्रवचन करें। बाकी एवरीवन इज फ्री टू से एवरीथिंग, अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का मूल है, लेकिन अभिव्यक्ति के साथ वही व्यक्ति बात करे जिसके प्रोवेन क्रेडेंशियल्स हैं। तो अखिलेश जी के जो प्रोवेन क्रेडेंशियल्स हैं वो पूरा देश जानता है। लेकिन अमित पुरी जी, जब जब चुनाव आता है तो विपक्ष धांधली का आरोप लगाता है, क्या वजह देखते आप इसके पीछे? बिल्कुल सही है भाई, वो बच्चा जो एग्जामिनेशन में साल भर पढ़ा नहीं, फेल होने की कगार पे है, बड़ी हाई साउंडिंग बातें करता है, तो रिजल्ट आने के पहले वो एग्जामिनर के ऊपर ही तो सवाल खड़ा करेगा। इसमें अप्रत्याशित क्या है? तो आपने नहीं देखा था करोड़ों रुपए की होल्डिंग
ये त्रिवाले मित्र के सहयोग से लगी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो अब विपक्ष की तैयारी, अब विपक्ष की तैयारी पे सवाल उठा रहे हैं अमित पुरी जी कि विपक्ष अपनी तैयारी पूरी नहीं करता है और एग्जामिनर पे सवाल उठा देता है, आप ये कहना चाहेंगे? स्वाभाविक है, चुनाव के एक शाम पहले तक लोकतंत्र पुण्य आत्मा होता है और परिणाम आने के दिन मुन्नी बदनाम हो जाता है, तो क्या करें हम? पीपुल आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस थिंग, व्हाट कैन आई से, हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो यू वांट टू सेड कि द ओपोनेंट इज हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम द ईसी, द रूलिंग पार्टी, दे आर इन हैबिट ऑफ ब्लेमिंग एवरी पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बी इट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी इट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी इट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी इट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इफ दे आर इन हैबिट ऑफ बैशिंग, व्हाट कैन आई डू, इट गिव्स देम स्टैटिस्टिक प्लेजर, सो लेट देम एंजॉय देयर स्टैटिस्टिक प्लेजर। जी दिलीप यशवर्धन जी, आपने सुना कि जिस तरह से बातें चल रही हमेशा जाति को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो और जाति और धर्म के नाम पर वोट ना पड़े, ये तो पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है जाति और धर्म का। जिस तरह से उपचुनाव में भी इस तरह की बातें सामने आ रही है, अभी भी समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता ने काम देखा है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनादेश हमारी तरफ है, क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं? अब इसमें त्रिशला जी कहने लायक क्या है, ये बातें जो है पुरानी हो गई हैं। मुझे 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 लगता है कि जनता इन बातों को सुन सुन के ऊब चुकी है, लेकिन राजनेता या जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं वो इन बातों को दोहराने से पता नहीं क्यों उनकी जवान नहीं थकती है, और स्पेशली तब जब इन बातों से कोई बदलाव नहीं आ रहा है स्थिति में, तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके जाना है पब्लिक के बीच में। पब्लिक क्या सही है क्या गलत है ये अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटिंग पैटर्न है वो हमेशा एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है। भारत हमारे देश में डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा जाति चीज़ें, जातिगत चीज़ें, धर्म चीज़ें, ये ज़्यादा हावी होती हैं, और लाख डेवलपमेंट की बात सुनते समझते हुए भी, लाख डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखते हुए भी, जब वोटिंग का टाइम आता है तो एक ऐसी हवा चलती है और वो हवा कई डायरेक्शन अलग अलग चलती है, कोई किसी डायरेक्शन में चला जाता है, कोई किसी डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं वो हमेशा खो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, आप 1951 से इस देश में इलेक्शन शुरू हुआ है, बेरोजगारी, मेडिकल की सुविधाएं, एजुकेशन, सड़कें, पानी, हवा, ये कॉमन मुद्दे हैं, किसान, कर्जा माफी, हर बार ये मुद्दे रहते हैं। ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन या इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले भी, इलेक्शन के बाद भी मुद्दे यही रहते हैं। सरकारें बनती हैं, बदलती हैं, नए लोग ताल ठोकते हैं, कुछ नए मैदान में आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं, स्टेटमेंट वही रहते हैं, और जनता किसी और वजह पे वोट देकर के सरकार बना देती है और सरकार उखाड़ देती है। इस देश की जनता को सादा समझने की जरूरत है, राजनीतिक पार्टियां तो वही कहती हैं जो जनता सुनना चाहती है, वही करती हैं जिससे इनको वोट मिलता है। तो राजनीतिक पार्टी तो वोट केंद्रित राजनीति करेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन जनता को समझने की जरूरत है कि असल में हमें वोट किस आधार पे देना है, सिंपति पे देना है कि वास्तविकता में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, संविधान की बात हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन जो संविधान के सैद्धांतिक जो सोशल प्रिंसिपल है, जो सामाजिक सिद्धांत है, उन पर कुछ लोग थोड़े से खड़े उतरते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं उतरते हैं, लेकिन जनता इन बातों को समझती नहीं, क्योंकि जनता उन सामाजिक मूल्यों से अवेयर नहीं है। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर सतीश निगम जी? विपक्ष कहां फेल है जनता को एहसास कराने के लिए कि उनकी जरूरतें क्या है? आप कहते हैं जाति धर्म जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, तो विपक्ष कहां फेल हो रही है जनता को ये रियलाइज कराने में कि आप विकास के नाम पर वोट दीजिए, कहां आप अपनी कमी देखते हैं? साल मास ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, और ये जो धर्म का नशा है ये जिस तरीके से जनता के बीच परोसा जा रहा है, जो विकास के मुद्दों पर मैं मानता हूँ कि भारी पड़ रहा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इस मुद्दे पर बहुत दिन आदमी नहीं रुक सकता है, क्योंकि विकास से ही तो रोजगार होगा, विकास से ही तरक्की होगी, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि देश का विकास अगर नहीं होगा तो देश के हमारे नौजवान जो मारे मारे घूम रहे हैं इन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, और जब रोजगार नहीं होगा हमारा किसान तरक्की नहीं करेगा, हमारे किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई है
और बार बार आप वोट खाली उन मुद्दों पर मांग रहे हैं कि साहब आपने मंदिर बना दिया, मंदिर बनाने की क्रेडिट आप क्यों ले रहे थे? मंदिर कोई लोकसभा में बिल ला करके नहीं आपने बनाया है, मंदिर अगर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, जनता के पैसे से बनना है, आप कौन है, आप उसमें क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनता को भ्रमित करके वोट ले रहे हैं, ये बहुत दिन तक गेम नहीं चलेगा, जनता इनका सच अब जानने लगी है। और निश्चित रूप से आज इसीलिए नौजवान सारा सड़कों पर है, जिस तरीके से अग्निवीरों के अग्निवीर नाम दे करके जो लाए योजना भर्ती की सेना में तो इस तरह के शॉर्ट बहुत शॉर्ट कमीशन के लोग भर्ती नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेना के में इस तरह के लोग इस तरह भर्ती करे जाएंगे तो सेना के में जो लोग जाएंगे ये तो प्रश्न लग जाएगा कि कैसे सेना के अंदर जो इंटरनल बातें हैं वो कहीं बाहर ना जाएं। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब आपको आप इससे पहले भी देख चुके हैं स्थितियाँ क्या रही हैं, सेना को हमेशा कभी छेड़ा नहीं गया, आज तक किसी भी सरकार ने सेना को नहीं छेड़ा, सरकार ने सेना को इम्प्रूव किया, सेना की हर तरीके से मदद की ताकि देश की सीमा सुरक्षित रहे। आज हमारा किसान जो खेत पर बैठ करके पूरे देश को राशन दे रहा है वो परेशान है, उनका बच्चा जो सरहद पर गोली खा रहा है वो रोजगार के लिए आज मारा मारा सड़क पर घूम रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जनता इन सब मुद्दों को समझने लगी है और निश्चित रूप से अब की इन्हें दोनों की ये लोकसभा की सीटों पर हरा के भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी सपने चाहे इसे देख ले, इन दोनों चुनाव में इसे पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं जीतेगी कि समाजवादी पार्टी को यादव वोट या मुसलमान वोट मिलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी इसलिए जीतेगी कि समाजवादी पार्टी ने काम भी किया है और जनता के मुद्दों को हमेशा उठाया और आगे भी ये मुद्दे उठाते रहेगी, नौजवानों के साथ थी और है, किसानों के साथ थी और है और रहेगी भी भविष्य में। तो हम लोग जी हम लोग गरीब मजदूर किसान नौजवान सबके साथ थे और रहे और यही कारण है कि सबसे पहले जब किसान दुर्घटना बीमा की बात आई थी तो हमारी सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा जो किसानों का किया था, सिंचाई हम लोगों ने फ्री की थी। और इसके अलावा जो आज ये बात कर रहे हैं, अभी हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि साहब ये इनको जो सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ, अरे हमारे जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था पहले ही कर दिया था कि हमारा अगर सैनिक वहाँ बॉर्डर पर शहीद होगा तो उसके गांव में राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी, इसके पहले कपड़े और चिट्ठी आती थी खाली। तो ये बहुत बड़ा मामला था और हमारे देश के जो सैनिक थे उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो यानी कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया नहीं कर रही है सेना के लिए? नया नहीं कर रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं कर रही है, तो पहले ही हमारे राष्ट्रीय जो पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी की व्यवस्था थी और उसी समय से आज तक सम्मान उनको मिलता आ रहा है, हमारे सैनिकों को जो हमारे शहीद हो जाते हैं, हमारे भाई जो शहीद हो जाते हैं। तो लोग ये बात अगर आज ही अगर इस बात को कह रहे हैं तो केवल झूठ कह रहे हैं, अब केवल उसका वो कह के ये बताना चाहते लोगों की हमने कह, लेकिन सच ये नहीं है, ये हमारे देश के लोग पहले से जानते हैं कि ये राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही अंत्येष्टि होती है हमारे शहीदों की, ये केवल झूठ बोलते झूठ का मुलम्मा चढ़ा करके जो ये निकले हैं। लेकिन मुलम्मा तो मुलम्मा है, ये याद रखिए कि पॉलिस चाहे इससे अच्छी कर लिया लेकिन पॉलिस हमेशा उतरती है और इनकी भी पॉलिस उतरती है। बिल्कुल, हमारे साथ अमित पुरी जी जुड़े। अमित जी, आपने सुना कि जिस तरह से विपक्ष का ये हमेशा से इल्जाम रहा है कि धर्म का नशा कराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, लेकिन अब वो वक्त आने वाला है जब जनता को वो बेवकूफ नहीं बना पाएगी, जनता को रोजगार और तमाम मुद्दों पर आना होगा, किस क्या जवाब देंगे आप इस पर? क्या ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? हम एक ही बात तीन पंक्तियां छोटी छोटी कहकर मैं इस डिबेट से कंक्लूड करना चाहूंगा। जी, भारतीय मनुष्यता के अंदर अधर्म की राजनीति कभी देश के संविधान में भी नहीं है। देश के संविधान की मूल प्रति को उठा के देखेंगे तो पहला प्रश्न राम दरबार का है, गुरु नानक देव जी का चित्र है। तो अधर्म की राजनीति जो करते हो उन्हें अधर्म की राजनीति मुबारक, नंबर एक। नंबर दो, जो बड़ी सेना की चिंता कर रहे थे, श्री अखिलेश जी के पूज्य पिताजी इस देश के सम्मानित रक्षा मंत्री थे, उनके धरती पुत्र के पुत्र जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने मांग की कि सेना में यदुवंशी ब्रिगेड बनाई जाए, जो सेना को कास्ट के आधार पर रेजिमेंटलाइज करना चाहते हैं
वह सेना का कितना भला करना चाहते हैं ये वो जाने। और जहां तक पूर्वांचल का सवाल है, पूर्वांचल तो देश के एक्सप्रेस वे के नक्शे पे अगले 10 दिन में जुड़ने जा रहा है, दौड़ने जा रहा है। लेकिन अमित पुरी जी अगर ये योजनाएं सही है, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, तो युवाओं को समझाने में क्यों सरकार नाकाम हो रही है? अगर सरकार की नाकामी कहाँ है कि युवाओं को समझा नहीं पा रही है? कोई सरकार नाकाम नहीं है। अग्निवीर पर दो तरह के लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मवीर है वो योजना पे काम कर रहे हैं और जो बयानवीर है वो बयान पे काम। अमित पुरी जी, अग्निपथ योजना का असर क्या इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में चुनाव मल्टी वेरिएट एनालिसिस होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस नहीं होता। कोई एक मुद्दा न चुनाव परिणाम को कभी प्रभावित करता है, न अंतिम रूप से तय करता है। और कोई मुद्दा राजनीति में न एक चुनाव के लिए होता है, वही कभी बूमरैंग करता है, कभी आगे बढ़ता है। तो पॉलिटिक्स इतनी सिंपलिस्टर नहीं होती कि उसे ट्रिवलाइज करके आप वन इशू सेंट्रिक बना करके छोड़ दें। बाकी जिसकी जैसी समझ वो जाने राजनीति को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर इजाजत है आपको। जी जी जी, सतीश जी का पक्ष जी, शुक्रिया। ऐसा है कि जैसा अभी आपने कहा ना, इनका राष्ट्रवाद सच है वो भी छद्म है और इनका धर्मवाद भी छद्म है। अभी हम आपसे पूछे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी भेजी है MCD को कि 53 मंदिर गिराए जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं क्यों? उसमें राम का मंदिर भी है, उसमें कृष्ण का मंदिर भी है, उसमें बाबा भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, उसमें साई बाबा का भी मंदिर है। तो 53 मंदिर क्यों गिराए जाएंगे? इतने बड़े धर्मवादी हैं तो मंदिर क्यों गिराएंगे? क्या उन मंदिरों पर लोगों की आस्था नहीं है? 53 मंदिर इनसे पूछिए, इन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है तो नहीं जानकारी करके बता दें। तो सवाल ये छद्म राजनीति जो हो रही है कि जनता जान गई है और अभी 53 मंदिर है जिनको दिल्ली के अंदर गिराया जाना है। MCD को भेजा गया और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लिख करके गया है कि साहब इसको गिरा दिया जाए। हम पूछना चाहते क्यों? एक तरफ आप राम के नाम पर वोट देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप राम के मंदिर को गिरा देना चाहते हैं। तो छद्म राजनीति बंद करिए, देश को सही दिशा में ले जाइए। सरकार ने आपको मौका ईमानदारी से दिया है या बेईमानी से आपकी, ये अलग बात है। लेकिन अब इस वक्त आपके पास है कि आप काम करके दिखावें, लोगों को रोजगार दें, आप हमारे किसानों का ख्याल रखें। यूरिया जो 50 किलो की भर्ती आती थी और 900 कुछ रुपए की मिलती थी, आज 1350-1400 की हो गई है और उस पर भी भर्ती में 5 किलो। सतीश निगम जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, आज लोकसभा उपचुनाव चल रहा है, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मैं विपक्ष से ये उम्मीद करती हूँ और हर देश की हर एक जनता उम्मीद करती है, जिन लोगों ने आपको लगभग 150 के आसपास सीटें जिताई, वो जनता भी उम्मीद करती है कि आप उनके मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे, उनके पक्ष को रखे, विधानसभा में उनके मुद्दों को रखे। और मुझे लगता है अगर विपक्ष रखेगी तो विपक्ष मजबूत होगी, किसी का परमानेंट तो नहीं होता। हालांकि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं दिलीप जी, आज के चुनाव से के मुद्दों पर हम वापस आना चाहेंगे। जिस तरह से तमाम तरह के प्रदर्शन भी चल रहे हैं इस वक्त देश में, और आपने कहा कि काफी जनता अवेयर नहीं होती इस तरह के चुनावों से, वही जनता जो किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं होती वो इसमें ज्यादा वोट देने नहीं जाती, तो क्या देखते हैं? जो 30% हमारी पॉपुलेशन है जो वोट करने जा रही है आज, उनके दिमाग पर या फिर वो इस मुद्दे को लेकर जाएंगे आज वोटिंग बूथ तक? मुझे नहीं लगता है कि जो अग्निवीर को लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं इस योजना को लेकर के, उसका इस चुनाव पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा रहा कि इस चुनाव में जो वोटर्स होते हैं वो वोटर्स ज्यादातर पार्टी के कैडर वोट्स होते हैं या पार्टी से जिनका पार्टी का प्रभाव होता है जिनके ऊपर, वो लोग वोट करने जाते हैं। तो अपोजिशन अपने वोटर्स को ये बात जताने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वोटर समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि एक सीट से अग्निवीर योजना पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये हार जाएंगे तो भी और जीत जाएंगे तो भी, दोनों ही पार्टियां अगर हार जाती हैं जीत जाती हैं, एक ये सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, राजनीति हमेशा वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी देखी जाती है कि आज जो हो रहा है उसका भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और एक सीट हारने का मतलब है कि कई क्षेत्रों पर प्रभाव, एक लोकसभा की सीट का मतलब कि कई विधानसभा की सीटों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वैसे भी 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, सामयिक नहीं है। आज चुनाव खत्म करते हैं, कल चुनाव में लग जाते हैं और आप देखिए इस चुनाव में भी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं और ये चुनाव को सीरियसली लेते हैं। लेकिन फिर
यहाँ पर आम जनता निकल के वोट देने जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि आम जनता का परसेंटेज बहुत कम होता है, जो 32-30% वोटिंग परसेंटेज आया है, ये वही लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से पार्टी से कनेक्टेड हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि जनता ने इन दोनों सीटों पर किस पे भरोसा दिखा है। फिलहाल आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। फिलहाल आज की हमारी इस चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। देखते रहिए प्राइम टीवी। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।